टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट को समझें, ये है क्या एक्चुअल में। तो नाम से पता लग रहा है कि कहीं लाइट क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट होने वाली है। आप मुझे एक चीज का आंसर दें। सपोज करो आपके पास ये वाटर है, है ना, डेंसर मीडियम है, और ये एयर है। आप सबको पता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से जाती है, एक सोर्स से स्टार्ट होती है या ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है, या मान लो मैं लाइट को डेंसर से रेयरर की तरफ भेजता हूँ। तो अगर मैं लाइट को डेंसर से रेयरर भेजता हूँ और बिल्कुल सीधा भेजता हूँ नॉर्मल के साथ, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो रिफ्रैक्शन भी जीरो है, बात खत्म। पर अगर मैं लाइट को यहाँ भेजता हूँ, ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इसने क्या बनाया, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, तो ये लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बात खत्म हो जाती है। पर अगर मैं लाइट को यहां फेंकता हूं सच दैट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने पहले से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगी और रिफ्रैक्शन में लाइट थोड़ी ज्यादा बेंड हो जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सपोज करो अब मैंने क्या किया, लाइट को और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया मैंने, मैंने इतना बढ़ा दिया आए, इतना बढ़ा दिया आए कि क्या हुआ कि लाइट का जो लाइट है उसने रिफ्रैक्शन का एंगल पता कितना बना दिया, 90। ठीक है ना, आई बढ़ रहा है तो आर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है आर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है आर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन बढ़ती जा रही है। बट तो मैंने ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया कि लाइट सरफेस के साथ जानी स्टार्ट हो गई, तो रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है, 90। इस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन डेंसर मीडियम, ये सारी गेम किसमें चल रही है, डेंसर, ताकि रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो गया, 90। अब आपने क्या किया, फिर से लाइट ली, ये लाइट ली, अब आपने यहां और इंसिडेंट करवा दिया, यानी कि आपने जो एंगल अब रखा वो ग्रेटर देन क्या रखा, क्रिटिकल से भी, तो आपका रिफ्रैक्शन और भी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि आपका रिफ्रैक्शन का एंगल ग्रेटर देन 90, तो लाइट हवा में आने की बजाय पानी में वापस आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो लाइट गई पानी से और पानी में ही वापस आ गई, कोई डाउट इसमें, तो पानी से पानी वापस आ गई, लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है यहां तक, और ये तभी हो पाएगा जब लाइट कैसे मूव करेगी, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो लाइट जब डेंसर से रेयर में आने की कोशिश करेगी तो TIR होगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, TIR किसे बोलते हैं। तो TIR का अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम, ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम गेट्स इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपका एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है, क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री है रिफ्रैक्शन और ग्रेटर देन क्रिटिकल पे रे जो है वो वापस आ रही है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये सेम डायग्राम्स हैं, कोई फर्क नहीं इसमें। ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, बहुत आता है कि राइट टू कंडीशन फॉर TIR टू अकर। तो पहली कंडीशन अगर आप चाहते हैं TIR हो, तो पहली कंडीशन है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो लाइट जो है वो डेंसर से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, रेयरर में। पहला पॉइंट क्लियर है, रेयरर से डेंसर TIR नहीं हो सकता, डेंसर से रेयरर होगा। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल। ये दो कंडीशन आपने लिख के आनी है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इसके अंदर आपको ये पूछा जाएगा हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल निकलता कैसे, मुझे क्या पता क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए ये लिख लो प्लीज, एक मिनट, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए कहीं पे लिख लो यहाँ पे कि आपकी जो यहाँ पे लिख लो, ये आगे आपके इस बुकलेट के अंदर ही गिवन है, रादर यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ये लिख लो। तो आप ये बनाना, ये एक काम करो, लिखो डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये लिखो रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, रे ऑफ लाइट यहां ड्रॉ करो, यहां बनाओ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ रे ऑफ लाइट ऐसे दिखाओ, ऐसे जा रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है और ये क्रिटिकल एंगल है। स्नेल्स लॉ लगाओ,
स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली म्यू डेंसर इनटू साइन ऑफ सी, म्यू रेयरर इनटू साइन ऑफ 90 जो कि 1 है, तो यहाँ से साइन ऑफ सी की वैल्यू आएगी म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। इसके बाद लिखो साइन ऑफ सी इज 1 बाय म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर या 1 बाय म्यू डी और ये आर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया साइन सी इज 1 बाय म्यू डेंसर एंड रेयरर। ये लिख लो प्लीज, इंपॉर्टेंट इसमें ये है यहां पे हमेशा डेंसर आएगा और यहां पे हमेशा रेयरर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो।